गया जिले के बेलागंज विधानसभा के कुजापी पंचायत के युवा वोटरों में खास उत्साह है। युवा मतदाता पहले सुबह से ही मतदान केंद्रों पर कतारबद्ध होकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों को भी मतदान करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान कुजापी गांव निवासी उत्तम कुशवाहा ने कहा कि इस बार कुशवाहा समाज बेलागंज की तस्वीर बदल देगा। विगत 35 सालों का जंगल राज खत्म हो जाएगा। अब तक जो विधायक रहे उन्होंने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया। सड़क की स्थिति बदतर है। कचनामा जो कि कुशवाहा समाज का गांव है, वहां ना तो सड़क है और ना ही कोई अन्य सरकारी सुविधा। अब तक जो बेलागंज से विधायक रहे उन्होंने कुछ जाति विशेष के लोगों को साथ लेकर चलने का कार्य किया है। वैसे लोगों को इस बार कुशवाहा समाज करारा जवाब देगा। हम लोगों ने मन बना लिया है कि जो लोग हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे हम लोग उन्हीं के साथ जाएंगे। विकास के मुद्दे के साथ हम लोग वोट कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वोटरों का कैसा उत्साह है? आप भी वोट दिए हैं, क्या क्या अपील करेंगे? पहले तो आपके सारे मीडिया भाई बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस महापर्व में अपना भागीदारी दे रहे हैं। वोटरों से अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से, वोटरों से अनुरोध करने, हमें लगता है करने की जरूरत नहीं है। ये 35 सालों का जंगल राज के खिलाफ यहाँ के वोटरों में सुबह से लोग, करीब 7 बजे वोटिंग स्टार्ट हुआ है तब से लोग एकदम सुबह सुबह महिलाएं आ रही है, औरत आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग आके वोट दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ जिस तरह का 35 सालों में विकास, जो बिहार में माननीय नेता नीतीश कुमार ने जो विकास किया, बेलागंज में विकास नहीं हुआ है। हम यहाँ के वोटर हैं, यहाँ के रोड की स्थिति देख, नली गली की स्थिति देख लीजिए, यहाँ पर स्थिति एकदम दयनीय है, जिसको लेकर यहाँ पर युवाओं में, देखिए नीतीश कुमार ने युवाओं को रोजगार दिया, हम सब युवा जानते हैं, महिलाओं को नौकरी आरक्षण दिया, सब जानते हैं, छात्रों को पढ़ने के लिए शिक्षा दी, सब कुछ हमारे नेता दे रहे हैं और नाम कोई और भजा रहे हैं। लेकिन इस बार बेलागंज का जो समीकरण है, इस बार बेलागंज इतिहास लिखने जा रहा है और विकास की ओर से नीतीश कुमार की जो प्रतिनिधि हैं, जो उनकी पार्टी की है, हमारी पार्टी की है, मनोरमा देवी को, एक महिला कैंडिडेट को उतार कर नीतीश कुमार ने एक रिकॉर्ड बना दिया। बेलागंज में पहली बार महिला कैंडिडेट उतरी है और लगातार वोट उनके पीछे, महिलाओं का खासी उत्साह है। साथ ही बेलागंज की समस्याएं बताई तो क्या लगता है जिनको मौका मिला उन्होंने काम नहीं किया? आप तो देखे ना किए हैं कि 35 सालों से क्या काम किए हैं। 35 सालों से उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष लोगों के लिए काम किए हैं, व्यक्ति विशेष समाज के लिए काम किए हैं। हम कुशवाहा का बेटा है, हम कोयरी है, बताएं कोयरी के यहाँ कौन, कोयरी के यहाँ दुख सुख में गए हैं वो, कौन कोयरी के यहाँ दुख में रहे सुख में गए, कौन कोयरी के यहाँ मदद किए हैं, कौन कोयरी के यहाँ नली गली बनाए हैं। अरे कचनामा जगह है कोयरी का, वहां देखिए रोड की स्थिति। भाई कुशवाहा जो वोटर है नीतीश कुमार के साथ है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में नीतीश कुमार को, मनोरमा देवी को वोट करेगा और पूरा अति पिछड़ा समाज जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है, उत्तम कुशवाहा। क्या आप भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश में हैं, जो आपके बच्चे को बेहतरीन शिक्षा और संपूर्ण विकास प्रदान कर सके? तो चले आइए मानपुर के सबसे बेस्ट स्कूल GD पब्लिक स्कूल में। GD पब्लिक स्कूल मानपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। हमारे यहां अत्याधुनिक एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिनमें स्मार्ट क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स और एक लाइब्रेरी शामिल है। हमारे स्कूल में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अनेक एक्टिविटीज भी कराई जाती है, जैसे आर्ट्स क्राफ्ट, म्यूजिक डांस क्लास, हाउस एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, इंडोर आउटडोर। इन एक्टिविटीज के माध्यम से हम बच्चों के व्यक्तित्व को निखारते हैं और उन्हें आत्मविश्वासी बनाते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन GD पब्लिक स्कूल में करवाने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी कीजिए और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। GD पब्लिक स्कूल में एडमिशन जल्द ही शुरू होने वाला है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आज ही संपर्क करें या विजिट करें हमारे वेबसाइट पे।